नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माय सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। पिछले सेशन में हमने स्थानिक चिकित्सा स्टार्ट किया था और उसमें उत्तर बस्ती के बारे में पढ़ा था। आज के सेशन में हम पिच्छू और वर्ती के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिच्छू का वर्णन करते हुए आचार्य सुश्रुत की सुश्रुता संदीपन में कहा है, पिच्छू कार्पास तूलम तेलम, यानी पिच्छू जो है वो कार्पास सूत्रों से बना होता है, यानी कॉटन बॉल से बना होता है, और इसको द्रव में डुबोकर योनि में धारण किया जाता है। तो इट इज ए स्पेशल ट्रीटमेंट मॉडलिटी इन आयुर्वेदा वेयर स्टेराइल मेडिकेटेड कॉटन स्वाब इज कैप्ट इनसाइड द विजाइना फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ टाइम के लिए जो मेडिकेटेड कॉटन स्वाब है उसको स्टेराइल करके योनि में रखा जाता है, इसी को योनि पिच्छू कहेंगे। तो डेफिनेशन की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में कहा है, पिचु तेलम पिचुना तूलकेन तेल वातहर द्रव्य क्वाथ सिद्धम योनिषु धारयेत्, पिचु तेलम बलाघृतम मित्यन्य। तो पिचु तेल का मतलब यहाँ पर तुलक यानी कार्पास जो बॉल है उसको वातहर औषधियों के क्वाथ से सिद्ध तेल में डुबोकर योनि में धारण करना पिचू तेल है, और पिचू तेल से हम बलाग्रत भी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके उपयोग की बात करें तो जो पिचू है वो पिच्छिलता के नाश हेतु, इसराव नाश हेतु और कंडू को दूर करने के लिए, कर्कश और स्तब्ध योनि के नाश हेतु, और शल्य क्रिया के बाद रक्त स्त्राव को रोकने के लिए यूज किया जाता है। वात योनि रोग में आचार्यों ने तिल तेल पिचू और दशमूल क्वाथ और घृत सिद्ध पिचू और वातनाशक द्रव्य सिद्ध तेल पिचू या तिल तेल का पिचू बताया है। पित्त योनि रोगों में चंदन उसीर और त्रिफला के क्वाथ से सिद्ध पिचू का धारण बताया है आचार्यों ने। कफ योनि रोग में सूरामंड उदुम्बर और त्रिफला क्वाथ का पिचू आचार्यों ने बताया है। विवृत योनि व्यापद में उदुम्बर आदि तेल का पिचू और सूरामंड का पिचू आचार्यों ने बताया है। योनि कंडू, योनि पेचिल्य, योनि श्राव, इनमें सूरामंड और उदुम्बर आदि तेल का पिच्छू बताया है आचार्यों ने। प्रसंस्रणी योनि में चांगेरी आदि घृत और फलघृत का पिच्छू वर्णित है। इसी तरह ऑब्स्टेट्रिक में जो प्रसंस्रमान गर्भ है यानी थ्रेटेंड अबॉर्शन की कंडीशन में शीतल जल, मधुयष्टि और घृत से युक्त पिच्छू धारण का विधान है, और सिरी वृक्ष त्वक निर्मित कषाय का पिच्छू बताया है। इसी तरह गर्भावस्था के 9वें मास में भी मधुर वर्ग द्रव्य से सिद्ध तेल का पिच्छू धारण करने के लिए कहा है। इसके अलावा रक्त गुल्म में वरा और मत्स्य पित्त में आलुक्त क्लोत योनि में धारण के लिए बताया है। महायोनि में जात्याधिकृत और तेल का पिच्छू बताया है। कटी और पृष्ठ शूल में वातहर द्रव्य से साधित तेल का पिच्छू धारण करना बताया है। योनि कंद में मूषक तेल का पिच्छू धारण करने के लिए कहा है, और योनि दाह में चंदन क्वाथ पिच्छू धारण करने के लिए बताया है। वामिनी और उपप्लुता योनि में सल्लकी, जंगिनी, धौ, पंचवल्कल इनसे सिद्ध तेल का पिच्छू बताया है। और योनि शूल में आचार्य वाग्भट ने धातक आदि तेल पिचू और कुष्ठ, तगर, देवदारु, वार्तक और सैंधव से सिद्ध तेल का पिचू वर्णित किया है। प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले पिचू को ऑटोक्लेव करना है।
पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेना है और नी फ्लेक्स करने हैं। फिर स्टेराइल पीचू को स्टेराइल हैंड से इस प्रकार इंसर्ट करना है कि जो थ्रेड है वह विजाइनल इंट्रोइटस से बाहर रहे और जो कॉटन बॉल है वो विजाइना के अंदर रहे, और इसको हम 5 से 6 घंटे के लिए विजाइना में इंसर्ट कर देते हैं। इसको हम मॉडर्न में टेम्पून से कोरिलेट करते हैं। टेम्पून इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए कॉटन बॉल एंड टिंट पैक्ड इन ए रिजिड कंटेनर एंड हैज ए थ्रेड अटैच टू इट फॉर इट्स रिमूवल। यानी टेम्पून जो है वो कॉटन बॉल से बने होते हैं और इन इनमें थ्रेड लगा होता है जो इजी रिमूवल के लिए होता है। इट इज ऑफन यूज एज एन इमरजेंसी बट टेम्परेरी क्लोजर। ये इमरजेंसी में यूज होते हैं लेकिन टेम्परेरी क्लोजर के लिए होते हैं। टेम्पून यहाँ पर दो शेप के होते हैं, सर्कुलर और इलोंगेटेड। सर्कुलर जो है वो लेंथ और ब्रेथ में 1 सेंटीमीटर होते हैं और इलोंगेटेड जो है वो ब्रेथ 1 फिंगर होती है और 4 फिंगर लेंथ होती है। जो टैम्पून है वो ट्रॉमेटिक सेकेंडरी पीपीएच में यूज करते हैं और प्रोफ्यूज परसिस्टेंट विजाइनल ब्लीडिंग जो कि कार्सिनोमा के कारण होती है उसमें भी इसका यूज करते हैं। यूटेराइन प्रोलैप्स और अल्सर के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। इसके अलावा नॉर्मल विजाइनल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी टैम्पून का प्रयोग किया जाता है। और यूटेराइन पॉलिप में उसको अपने विजाइना में अपनी जगह में रखने के लिए भी प्लगिंग यूज की जाती है। टेम्पून को 2 से 3 घंटे तक अपन योनि में इंसर्ट कर सकते हैं। 40 घंटे से ज्यादा इसको योनि में नहीं रखना है। अगर 48 आवर्स से ज्यादा इसको योनि में धारण किया पीचू को तो वो फाउल स्मेल और इन्फेक्शन कॉज करेगा और उस इन्फेक्शन के कारण अदर सिम्टम्स लाइक डिस्चार्ज और ब्लड स्टेन डिस्चार्ज वगैरह ये सब प्रॉब्लम होगी। अगर टेम्पोन को ज्यादा लंबे टाइम तक यूज करेंगे तो रिटेंशन ऑफ यूरिन भी हो सकता है। अब हम योनि वर्ती की बात करते हैं। वर्ती को हम सपोजिटरी भी कहते हैं। ये तीक्ष्ण होती है वर्तियां और ये जो है वो जो फाइन पाउडर है यानी ड्रग्स का जो चूर्ण है उसको एडहेसिव ड्रग्स या बाइंडिंग एजेंट के साथ मिला के वर्ती बनाई जाती है। इसको हम 2 से 3 घंटे तक योनि में धारण करवाते हैं। इंडिकेशन की बात करें तो कर्णिनी योनि व्यापद में कुष्ठ पिप्पली अर्काग्र और सैंधव को बस्त मूत्र यानी अजा के मूत्र में मिक्स करके वर्ती बनाने का विधान है और धारण कराने का विधान है। इसी तरह जो शोधन द्रव्य है उनसे निर्मित वर्ती भी कर्णिनी योनि व्यापद में धारण के लिए बताई है। योनि शोधन वर्ती जो है वो पिप्पली मांस मरीच सतपुष्पा कुष्ठ और सैंधव इनसे बनी हुई होती है और वह योनि के शोधन के लिए यूज होती है। जहां पर भी योनि दुष्टि हो वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। अचर्णा योनि व्यापद और उसके साथ साथ योनि सोफ योनि क्लेद और योनि कंडु में गोपित्त और मत्स्य पित्त को 21 बार भावित करके वस्त्र की बनाई गई जो वर्ती है उसका यूज करने के लिए बताया है और किण्व और मधु मिलाकर वर्ती बनाकर यूज करने के लिए कहा है। योनि पिच्छिलता में काशी त्रिफला कांक्षी यानी फिटकरी समंगा लज्जालु आम्रस्थी और धातकी पुष्प की वर्ती का प्रयोग बताया है। इसी प्रकार पलास सर्जरस जंबुत्वक समंगा मोचरस और धातकी पुष्प के कल्कि की भी वर्ती का विधान है। जहां पर अनार्तव है या आर्तव नास है वहां पर इक्ष्वाकु दंती चपला गुड़ किण्व मदनफल और याव शुक को स्नुहि क्षीर के साथ मिलाकर वर्ती बनाकर योनि धारण
कराने का विधान है। प्रोसीजर की बात करते हैं तो जो अफेक्टेड पार्ट है पहले पहले उसको क्लीन और डिसइंफेक्टेड करेंगे प्रॉपरली, फिर जो वर्ती है उसको बनाएंगे। वर्ती बनाने के लिए हम जो औषध है उसको तेल जल या फिर क्वाथ किसी में भी मिक्स करके या मधु में मिक्स करके बनाएंगे। फिर वर्ती को बनाने के बाद उसको ड्राई कर देंगे और जो वर्ती का आकार है वो प्रदेशिनी अंगुली के बराबर रखेंगे, प्रदेशिनी अंगुली की जितनी सरकमफेरेंस है उसके बराबर। फिर उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद उसको गॉज पीस में रैप करके थ्रेड से टाइट कर देंगे और ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव करने के बाद वर्ती को ऑयल या फिर घी या मधु या दूध से थोड़ा सा स्मेयर्ड करेंगे और फिर उसको योनि में प्रवेश करवाएंगे। वर्ती के प्रवेश के बाद जब भी टाइम पीरियड पूरा हो जाए उसको निकाल लेना है और उसको जो धारण काल है वो आमूत्र काल है, यानी जब तक कि मूत्र का वेग नहीं आए तब तक धारण करवाना है। जब मूत्र का वेग आ जाए तब उसको निकाल कर योनि प्रक्षालन करवाना है। वो ल्यूक वार्म वाटर से करवा सकते हैं और जो वर्ती एक बार यूज हो गई है उसको दोबारा यूज नहीं करना है, वो डिस्कार्ड कर देनी है। वर्ती जो है वो सिक्रीशंस को कम करता है विजायना के और शोधन कर्म करता है। इसको हम विजाइनल टैबलेट और पेशरीज से कोरिलेट कर सकते हैं। विजाइनल टैबलेट जो है वो इन्फेक्टिविटी, विजाइनाइटिस, सर्विसाइटिस, इरोजन, एट्रोपिक कैंडिडिएसिस और सेनाइल विजाइनाइटिस में यूज होती है। जो पेसरीज है उनमें रिंग पेसरी जो है वो प्रोलेप्स में यूज होती है। ये प्रोलेप्स को ठीक नहीं करती है लेकिन जो उससे उत्पन्न जो लक्षण हैं उनको कम कर देती है, जैसे बैकएक वगैरह है तो वह कम हो जाएंगे। पेशरीज जो है वो तीन टाइप की होती है, एंटीबायोटिक पेशरी, हार्मोनल पेशरी और कॉर्टिसोन और बैक्टीरियोस्टेटिक पेशरीज। जो एंटीबायोटिक पेशरीज होती हैं वो बिटाडीन पेशरीज होती हैं। हार्मोनल पेशरीज जो है वो 0.1 mg इस्ट्रोजन कंटेंट युक्त होती है और ये जो है वो केराटिनाइजेशन और करती है एपिथीलियम का और उसके साथ साथ जो योनि के अंतर्गत ग्लाइकोजन है उसको बढ़ाकर योनि की पीएच मेंटेन रखती है। और इसके अलावा जो कॉर्टिसोन और बैक्टीरियोस्टेटिक पेशरीज है उसमें निस्टेटिन आता है, ये एंटीफंगल होती है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। If you have any queries related to this session, please write in comment box so I will resolve it. Thank you so much.